आप जानते हैं PSL हो चुका है स्टार्ट और मैं PSL पे यानी कि TBS आर्मी जो है TBS आर्मी कौन सी TBS क्रिकेट का एपिसोड में PSL के लिए ना लाऊं ये हो नहीं सकता, तो मैं आ चुका हूं PSL के एपिसोड में। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग में था फारसी जिसकी जबान मुझे बिल्कुल समझ अच्छा कच्चा कच्चा और ओए होए ओए होए ऐसा कुछ गाना है मैंने सुना है, और ऊपर से पसूरी गर्ल जो बताई शाय गिल जो शर्माती है वो वाली गिल उसने उसमें हिस्सा लिया है, और उसके साथ आसिम अजहर द यंगेस्ट पर्सन इन द पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो उसके अलावा सॉन्ग रिसेंट सा सॉन्ग है इसको मैं दूंगा स्टेडियम के हिसाब से, जब ये बेस में बढ़ेगा तो लोगों में चलेगा तो इसको मैं इतना खास नहीं रखूंगा, तो इसको मैं दूंगा रेटिंग्स में 10 में से 7 नंबर। सॉन्ग के लिए मेरा बस इतना ही रिव्यू है क्योंकि सॉन्ग में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लिरिक्स कुछ अच्छे हैं नहीं, लिरिक्स रिपीटेड है, 3 मिनट का सॉन्ग है, मतलब एक दिन मतलब एक दिन पहले रिलीज हुआ है, टिकटॉक वही स्पॉन्सर है क्योंकि मुजरा होगा तभी तो पाकिस्तान चलेगा। और उसके अलावा YouTube पर आप सुन सकते हो, बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, मैं कुछ खास रिव्यू नहीं दे रहा क्योंकि सॉन्ग कुछ खास है भी नहीं, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। दूसरे हाफ में मैं अभी बात करने वाला हूँ जर्सीज की सबसे अच्छी जर्सी मुझे लगी पिशावर गर्मी की, पर्सनली जो मैं बताऊँ मैं फैन हूँ कराची किंग का, लेकिन मुझे जर्सी अच्छी लगी पिशावर गर्मी की जो कि थी। और अगर नगर फेरें लाहौर कलंदर की तो जिन्होंने मैप बनाया बिल्कुल कॉपी स्पाइडरमैन की जो है यूनिफॉर्म होती है जिसमें वो पहन कर उड़ने लगता है यानी कि जाले मारता है बिल्कुल सेम टू सेम। अभी इसको क्या मैं डिस्क्राइब करूं कि इतना सेम जर्सी इन्होंने बनाई है अपने लाहौर कलंदर वालों ने कि आप क्या कहें। स्पाइडरमैन आप खुद बोलेंगे या तो स्पाइडरमैन की गेम खेल रही है, स्पाइडरमैन 11 खेली है या लाहौर कलंदर, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कुछ पूछा मैंने कुछ ओके, इनकी अवे की जर्सी आई थिंक रेड है और होम की ग्रीन है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं स्पॉन्सर्स की, स्पॉन्सर बात चल रही है कराची किंग के स्पॉन्सर 1xbet की। 1xbet जो है एक कसिनो है, ऑनलाइन कसिनो है जहाँ पे लोग बेट लगा के इनाम जीत सकते हैं। तो बात चल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि क्यों कसिनो को प्रमोट किया जा रहा है PSL में, ये एक अच्छा साइन नहीं है, हम ये हैं हम वो हैं। तो भाई जो हालात चल रहे हैं ना, कसिनो हो या घसीट हो, किसी में भी बंदे को गुजारा करना पड़ता है इस सिचुएशन में पाकिस्तान की। और हो कोई भी हो, कराची किंग की भी एवरेज थी, कुछ खास नहीं थी, अगर उसमें अजरक का जो इन्होंने प्रैक्टिस की जर्सी है ना वो अच्छी है, लग रही है बेहतर है इससे। और दूसरी बात क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बिल्कुल सिंपल है पर्पल कलर में, और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान की वही सेम चलाते हुए आ रहे हैं, और उसके अलावा अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली पिछले साल पिंकी बने फिर रहे थे फूड पैंडा के बंदे, इस बार रेड है मुझे ऐसा पता चला है, रेड है, अच्छी है, अच्छी वाइब आ रही है। सबसे बेहतर जो लगी पिशावर गर्मी की लगी है, दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर स्पाइडरमैन वालों की, तीसरे पर मैं रखूँगा अपने किंग्स और इस्लामाबाद को, और उसके बाद क्वेटा ग्लेडिएटर देनिस अपनी वो मुल्तान सुल्तान। जर्सी में नहीं परफॉर्मेंस पे मैटर करती है, लेकिन मैं जो जर्सी का बता रहा हूँ मैं सिर्फ जर्सी का बता रहा हूँ। अभी लोग बोलेंगे भाई तू जर्सी पे बता रहा है, परफॉर्मेंस पे हर चीज़ होती है, तो भाई परफॉर्म करो, मैंने कोई मना किया है कि मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, अच्छी दिखेगी तो दिखेगी ना। इस साल PSL में क्या होगा, कैसे टीमें चलेंगी और कैसे शेड्यूल वगैरह, इसके बारे में 6 टीमें हैं टॉप 4 क्वालिफाई करेंगी अपने एलिमिनेटर्स के लिए, पहली खेलेगी क्वालिफायर, जो क्वालिफाई कर गई वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगी, और जो हारी वो जो एलिमिनेटर खेलेंगे दो उनमें से जो जीती हुई होगी वो एलिमिनेटर के साथ फिर क्वालिफाई करेगी, जो जीतेगी वो पहली जीती हुई टीम के साथ फाइनल खेलेगी। वही पुराना पैटर्न है, वही पुराने हैं अपने अंदाज, 6 टीमें जैसे कि आपको मैंने बताया लाहौर पेशावर मुल्तान क्वेटा ग्लेडिएटर्स कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 6 टीमें हैं। इन सब के कप्तानों का नाम बता दूँ तो शादाब खान, इमाद वसीम, बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहिन शाफरीदी एंड रिजवान, तो ये हैं। और वेन्यूज़ की बात करें तो शुरू के मैचेस होंगे अपने मुल्तान में और कराची में, और दूसरे मैचेस होंगे अपने कहाँ पे होंगे, लाहौर और पिंडी में, और कौन सा स्टेडियम है, सही वेल मेंटेन्ड।
मैं पर्सनली बात करूँ ट्रॉफी की, जो ट्रॉफी रिवील हुई है उस ट्रॉफी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वही ट्रॉफी है जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जीती थी लास्ट टाइम जब उन्होंने विन किया था। और ट्रॉफी में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे ट्रॉफी इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि इतना बड़ा भारी भरकम इन्होंने बनाया हुआ है, एक बड़ी मोटी सी शेप दी हुई है उन्होंने। इससे अच्छा लास्ट जो मुल्तान जीती थी, यानी जो कराची जीती थी, मुल्तान जीती थी, पता नहीं कराची पता नहीं लाहौर, तीनों ने एक ही ट्रॉफी ली थी, वो इससे थोड़ी बेहतर है, सिंपल है, उठाने में ईजी चीज़ है। PSL 8 की ट्रॉफी कुछ भारी है, इसको मैं रेटिंग दूंगा, क्या दूँ अपनी ट्रॉफी है 10 में से 8 नंबर ले लेते हैं इसको ट्रॉफी की शेप के लिए। कुछ खास है नहीं, बस शाइन कर रही है, चमक रही है। प्राइस तो आपको पता है, जो जीतेगा उसको मेरे हिसाब से 6 करोड़ मिलेंगे या 8 करोड़ मिलेंगे, और हारने वाले को 3-3.5 करोड़ मिलेंगे, जो कि रकम एवरेज सी है। और सारे तो स्पॉन्सर्स के पैसे आते हैं, सबको पता है। मैं अभी क्या बताऊँ इन्हों का बिजनेस मॉडल। अच्छा, बिजनेस मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ क्या है बिजनेस मॉडल है। खिलाड़ियों को एक करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.80 करोड़ में खरीदते, महंगे से महंगा, जैसे अपना बाबर आजम हो गया, जैसे प्लैटिनम कैटेगरी में मोहम्मद आमिर हो गया, जैसे जेसन रॉय हो गया, मार्टिन गप्टिल हो गया, ऐसे लंबे पाए के खिलाड़ी जैसे शाहीन अफरीदी हो गया, इनको करोड़ तक लिमिट है। और आप बोलोगे कैसे जीतेंगे, ये सामने स्पॉन्सर लगे होते हैं यहाँ पर वो देंगे, और बहुत ही सुंदर की जो टाइटल स्पॉन्सर है उसमें से सबको शेयर जाएंगे, कितने जाएंगे वो मुझे नहीं पता, हर टीम को जाएगा शेयर, और जो जीतेगी उसको विनिंग प्राइस भी मिलेगी टीम को मिलेगी, और उसके अलावा रनर अप को मिलेगी, और जो अपने टॉप फोर में होंगे उनको मिलेगी, और जो लास्ट में दो होंगे उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और जो ग्राउंड पे लगे होते हैं स्पॉन्सर वो पैसे, टिकटों के पैसे, होम ग्राउंड की कंडीशन में जो टिकटें खरीदेंगे वो होम टीम लेगी। उसके अलावा इसमें साथ डिसएडवांटेज होगा अपने क्वेटा ग्लेडिएटर्स वालों को, और ऊपर से दूसरी पिशावर जलमी को थोड़ा डिसएडवांटेज होगा मेरे हिसाब से, तो ये दो टीमों को होगा इसमें टिकट्स वगैरह में और क्राउड के चीयर अप में। अगर मैं बात करूँ ओपनिंग सेरेमनी की, सेरेमनी जो हुई है मुल्तान में रात को, आज ही मतलब कल रात को, मतलब आज रात को हुई थी, मैं अभी पता लास्ट नाइट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं उसमें हुई थी। तो उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें आयमा बेग आई, साहिर अली बग्गा आया, फारसी नहीं आया जिसका पता नहीं कौन से लिरिक्स से वो नहीं आया, अपना शाय गिल आई, ये कट कर देना, शाय गिल बोले तो पसूरी गल आई जिसका हिट गाना गया था, दूसरा गाना आई थिंक इसका, पहला पसूरी देन ये। और स्टेडियम में पता नहीं कहाँ कहाँ से नचाने आ गए, डांसर्स आ गए, टिकटॉक ओबियसली टिकटॉक का स्पॉन्सर है इस गाने का, तो पता नहीं कहाँ से डांसर इतनी सौदा आ गए, और आग लग गई थी कहीं पे, मतलब लाइट्स में, स्पॉट लाइट्स में, और स्पीड गन भी सही से काम नहीं कर रही थी, ये लोगों का कहना है। और आखिरी बाल तक मैच गया जो जीता लाहौर कलंदर ने, ये वाला मैच लास्ट नाइट वाला, आज मैच है कराची किंग्स का और शायद पिशावर जलमी का, बाबर वर्सेस मोहम्मद आमिर का, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कंपटीशन बना हुआ है, सही है, हाइप बनी रहेगी, दो जब आएंगे आमिर बाबर बहुत मज़ा आएगा आपको टीवी पे बैठते हुए देखने में, अगर आप स्टेडियम में मौजूद है कराची में तो और भी अच्छी वाइब आएगी। इस गाने की वाइब नहीं आएगी लेकिन उस मैच की लाजमी आज रात अलग मैच की आएगी ओबियसली। आज कौन सी तारीख है, आज मेरे हिसाब से 14 तारीख है आज वो मैच है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो लड़ना नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये गेम में हार जीत होती रहती है, जीतेगा वही जो बेहतर खेलेगा और जो हारेगा वही जो गंदा खेलेगा, जैसे लास्ट टाइम कराची ने गंदा खेला था, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, खिलाड़ी अच्छे थे, दिल से तकलीफ होती है क्योंकि आई एम फैन ऑफ किंग्स, बहुत तकलीफ होती है। दे दूं PSL के अलावा तो शादी हो चुकी है शाहीन शाह अफरीदी की और अपने हारिस रऊफ की और अपने शादाब खान की, अपने कोच के घर से यानी कि सकलैन मुश्ताक के घर से हो चुकी है, शाहीन अफरीदी के अपने शाहिद अफरीदी के घर से हो चुकी है, और हारिस रऊफ की पता नहीं शान मसूद की हो चुकी है उसकी वाइफ से। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ, उसकी वाइफ से हो चुकी है और उधर इंडिया में हो चुकी है KL राहुल की अथिया शेट्टी। तो दोस्तों मोबाइल ओवर हिट हो गया था, मैं बता रहा था कि अथिया शेट्टी की शादी हो चुकी है उससे, अपने KL राहुल की हो चुकी है, और वो है सुनील शेट्टी की बेटी। और मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बिन किसी बकवास वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ बकवास के बगैर वीडियो बंद करते हैं,
क्योंकि अच्छा कंटेंट देता हूँ रेगुलर कंसिस्टेंटी। ये क्या मजाक है? कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं हूँ आपका अपना टॉर्चर वाला, यानी कि शायन टॉर्चर वाला। वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए